नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। गर्मी के इस मौसम में कबूतरों के अंदर आपने इस टाइम देखा होगा, कबूतरों के जो छोटे बच्चे निकल रहे हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा पॉक्स की बीमारी इस टाइम आपको देखने को मिलेगी। आज मैं आपको एक ऐसा घरेलू उपचार बताऊंगा जिसके द्वारा आप उस दवाई का प्रयोग करके अपने छोटे बच्चों में, कबूतरों में वो दवाई लगा करके उसका पॉक्स का इलाज आप कर सकते हो। देखिए, हमारे पास जो है इसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। लौंग, लौंग जो है हम सबके घरों में इजीली अवेलेबल होती है। हमारे पास ये लौंग जो है, ये देखिए, हम 8 से 10 दाने जो है लौंग के लेंगे। लौंग इजीली अवेलेबल होती है मार्केट में। 8 से 10 दाने जो है काली मिर्च के लेंगे। ये जो है देख लीजिए आप, ये लौंग है और ये काली मिर्च है। आपने 8-10 दाने जो है लौंग के, काली मिर्च के लेने हैं। अब आपने करना क्या है, इसकी दवाई कैसे बनानी है। ये हमारे पास ये जो है, आप इसको बोल सकते हैं पेस्टल मोर्टल बोलते हैं, दवाई कूटने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, आपने करना क्या है, इसके अंदर आपने सबसे पहले ये लौंग के जो है इसमें दाने इसमें डालने हैं। इसको आपने इसको कूटना है। आपने इसको जो बिल्कुल है लौंग जो है इसमें साबुत लौंग है, इसको पीस करके बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है इसमें। जब आपकी लौंग पीस जाए या उसका बिल्कुल चूरा हो जाए, अच्छे से पाउडर फॉर्म में हो जाए, अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि थोड़ा सा ये देखिए, अब जो है हमारी लौंग का अच्छे से पाउडर बन गया है लौंग। अब आपके पास जो काली मिर्च के दाने थे, आपने ये दाने इसमें मिक्स कर देने हैं। आपने काली मिर्च के इन दानों को भी आपने अच्छे से आपने मिक्स कर देना है। ये आपने जब तक मिक्स करते रहना है जब तक दोनों बिल्कुल एकदम पाउडर फॉर्म में ना आ जाए। यदि आपके नंबर ऑफ बर्ड्स ज़्यादा हैं तो आप इसको जो है इसकी क्वांटिटी ज़्यादा बनाने के लिए आप इसको मिक्सी में भी बना सकते हैं, लेकिन इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें थोड़ा थोड़ा पेस्ट बनाइए ताकि ज़्यादा वेस्ट भी ना जाए। अब जो है हमारे पास, देखिए, हमने काली मिर्च और इलायची को मिला करके पाउडर फॉर्म बना लिया है। ये देखिए, ये जो है दोनों को मिक्स करके पाउडर फॉर्म में अब ले आए हैं। अब आप, हमने करना क्या है, इसको अप्लाई कैसे करना है। देखिए, हमारे पास जो है ये जो है सरसों का तेल है, आपने इसके अंदर इसको मिक्स कर लेना है। 5 से 6 ड्रॉप जो है हमने इसमें सरसों का तेल मिक्स कर लेना है और इसको हमने अब मिक्स कर लेना है सरसों के तेल के साथ। जो बारीक पिसी हुई लौंग है, काली मिर्च है, इसके अंदर सरसों का तेल लगा करके इसका पेस्ट बना लेना है, ताकि जब हम इसको बर्ड्स की बॉडी पे अप्लाई करेंगे तो ये अच्छे से उसके पॉक्स के लीजन्स पे लग जाए। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसको हमने करना क्या है, जहाँ पर भी आपकी बर्ड्स की बॉडी पे आपने देखा होगा अक्सर जो पॉक्स के दाने होते हैं, चोंच के ऊपर होते हैं, पैरों पे होते हैं, या वेंट वाले हिस्से में होते हैं जहाँ से आपका जो कबूतर है वेस्ट मेटल एक्सक्रीट करता है। पॉक्स हमेशा उस जगह पे पाया जाता है जहाँ पे बॉडी पे फेदर्स नहीं होते, केवल स्किन होती है। तो ये 3 जगह होती है जहाँ पर पॉक्स के लीजन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अब आपका जो ये पेस्ट तैयार हो गया है, इसमें लौंग, काली मिर्च और सरसों का तेल है, ये अब आपके पास जो है एक लोशन तैयार हो गया है जो कि आपने पॉक्स के लीजन्स पे लगाना है। अब एक बर्ड्स लाता हूँ मैं पॉक्स का, जिसमें मैं इसको आपको लगा करके दिखाता हूँ। देखिए, इस पिजन्स की बीक के ऊपर, चोंच के ऊपर जो आप देखेंगे मैक्सिमम पॉक्स के लीजन्स आ चुके हैं, और इसके पैरों के ऊपर भी जो है पॉक्स के लीजन आ चुके हैं और कुछ फेदर्स के ऊपर भी है। सबसे पहले आपने इसको हैंडल करके करना क्या है, ये जो आपका पेस्ट बना है इसको अच्छे से लेकर के आपने इसके बीक वाले हिस्से में आपने इसको लगा करके छोड़ देना है।
काफ़ी अच्छे से अप्लाई करके, क्योंकि इसमें सरसों का तेल है, ये इजीली जो है बॉडी पे अप्लाई हो जाएगा, वहाँ पे लग जाएगा दवाई। ये जो है पॉक्स का घरेलू उपचार है और इसके द्वारा आपके बर्ड्स में कितनी ही पुरानी पॉक्स क्यों ना हो, इसको आप ठीक कर सकते हैं। इस प्रकार आप ये लौंग और काली मिर्च और सरसों के तेल का पेस्ट लगा करके आप अपने बर्ड्स को छोड़ सकते हैं। आपने डेली ये दिन में एक बार लगाना है और बर्ड्स के खाने पीने का ध्यान जरूर रखना है। इसके अलावा, क्योंकि आपको पता है कि पॉक्स के लीजन्स में थोड़ा सा जलन होती है, क्योंकि बर्ड्स थोड़ा सा इरिटेट होता है, उसके लिए क्या है, हमारे घरों के अंदर, सबके घरों के अंदर आपने देखा होगा कॉमन पेस्ट, हम जो भी पेस्ट यूज़ कर सकते हैं वो पेस्ट शाम के वक्त एक बार आपने इस पर लगाना है। आपने करना क्या है, थोड़ा सा पेस्ट आपने इसमें निकाल करके रख लेना है। ये देखिए, ये आपके पास जो है पेस्ट है, इस पेस्ट को भी आपने जितने जो लीजन्स हैं उनके ऊपर भी दिन में एक बार आप लगाना है। इसमें क्योंकि पेस्ट के अंदर पीपरमेंट होता है, पीपरमेंट से क्या है, इसको थोड़ा अच्छा बेटर फील होगा और जो लीजन्स में जो इरिटेशंस होता है वो थोड़ा सा कम होता है। ये देखिए, ये जो पॉक्स के लीजन्स है, आप इसके ऊपर अब हल्का हल्का ये पेस्ट लगा सकते हो, इससे बर्ड्स को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। ये जो ट्रीटमेंट है 8 से 10 दिन कीजिए, कितनी भी पुरानी से पुरानी आपके कबूतरों के अंदर पॉक्स की समस्या क्यों ना हो, ऑटोमेटिक इस देसी घरेलू इलाज से आप अपने कबूतरों को चेचक की बीमारी बिल्कुल आप ठीक कर सकते हो। इसमें जो सामग्री बताई एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ, 10 काली मिर्च के दाने लेने हैं, 10 लौंग लेनी है, उसको अच्छे से पीस करके पाउडर फॉर्म बना करके उसमें थोड़ा सा सरसों तेल लगा करके जो आपका पेस्ट बन गया है उस पेस्ट को जहाँ पर पॉक्स के लीजन है उसके ऊपर अप्लाई कीजिए, छोड़ दीजिए। शाम के वक्त आपने उसके ऊपर जो है थोड़ा सा कोई भी पेस्ट आप जो यूज़ करते हो उस पर अप्लाई करके छोड़ना है। सुबह शाम आप इस प्रोसेस को 8 से 10 दिन के अंदर आपके जो कबूतरों के पॉक्स हैं वो दाने अपने आप वहाँ पे कम होकर के या गिर करके बिल्कुल उस जगह से साफ़ हो जाएंगे। इस प्रकार इस घरेलू उपचार के द्वारा आप अपने कबूतरों की पॉक्स को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये जो वीडियो है घरेलू उपचार कबूतरों का चिकन पॉक्स या पॉक्स का ट्रीटमेंट कैसे करें आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।